कुछ लोग मौत के पिछवाड़े में उंगली करते हैं, इन्हें आप स्टंटमैन, डेयर डेविल या खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद भूल चुके थे कि आज तक कोई भी इंसान मौत से जीत नहीं पाया है। टेंक्रीड मेलेट। फ्रांस के रहने वाले टेंक्रीड मेलेट मौत से खेलते थे, या यूं कहे कि वह हर रोज मौत को मात देते थे। एडवेंचर उन्हें इतना पसंद था कि वह कहीं से भी कूद जाते थे, क्या पहाड़ क्या पहाड़ों के बीच बंधी पतली रस्सी। उसे किसी भी स्टंट से डर नहीं लगता था। इसी तरह का वह एक स्टंट दक्षिणी फ्रांस के दूरों में करने जा रहे थे, जहां वे जमीन से 100 फीट ऊपर दो हॉट एयर बैलून के बीच बंधी पतली रस्सी के ऊपर चलकर करतब करने वाले थे। मेलेट ने ना तो कोई पैराशूट पहना था और ना ही अपने आप को किसी रस्सी से बांधा हुआ था, और इस स्टंट के दौरान एक बार उनका पैर फिसला। लेकिन उस वक्त मेलेट खुशनसीब रहा, क्योंकि नीचे गिरते समय उनके हाथ रस्सी आ गई और वह बच गए। और कुछ ही मिनटों बाद वह इस करतब के लिए दोबारा तैयार हो गए। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की छतरी थी, ताकि उन्हें अपना संतुलन बनाने में आसानी रहे। लेकिन तेज हवाओं की वजह से इस बार भी उनसे चूक हुई, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह 100 फीट ऊपर से गिरकर मारे गए। उनकी मौत से हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने इससे भी कई गुना कठिन कर्तव्यों को आसानी से अंजाम दिया था। चंचल लहरी। यह है कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज, जहां पर 16 जून 2019 को भारतीय स्टंटमैन चंचल लहरी अपना अनोखा स्टंट दिखा रहे थे। चंचल लहरी अपने आप को एक स्टंटमैन कम और एक जादूगर ज़्यादा मानते थे। शायद इसलिए मशहूर जादूगर होड़नी के वाटर ट्रिक को कॉपी करना चाहते थे। होड़ने की वाटर ट्रिक में जादूगर के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद इसके ऊपर चेन के साथ ताला लगा दिया जाता है। इतना कुछ करने के बाद जादूगर को पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने के कुछ ही सेकंड में जादूगर खुद की चेन और हथकड़ी खोलकर पानी से बाहर आ जाता है। चंचल लहरी भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। होड़नी ट्रिक दोहराने के लिए वह पूरी तरह से तैयार थे। जादूगर के हाथ पैर बांधे गए और फिर उन्हें चेन से बांधा गया। चेन ना खुल जाए इसलिए उस पर ताले भी लगाए गए। उसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें नदी में डाल दिया गया। सबको उम्मीद थी कि वह खुद को आज़ाद करके जल्द ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 10 मिनट बीत जाने पर भी जब वह बाहर नहीं आए तो तुरंत डाइवर्स की टीम बुलाई गई। जादूगर को खूब ढूंढा गया, लेकिन वह जिंदा नहीं मिले। मिली तो सिर्फ उनकी लाश। वह भी जिस जगह पर उन्होंने डुबकी लगाई, वहां से 1 किलोमीटर दूर। जेन विकर्स। जेन विकर्स एक प्रोफेशनल स्टंट वूमेन थी, जिन्होंने कई एयर शो में भाग लिया। वह उड़ते हुए प्लेन के ऊपर खड़े होने और चलने जैसे कर्तव्य किया करती थी, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण और पैराशूट के। जान लीजिए इस तरह के स्टंट करने वालों को विंग वॉकर्स कहा जाता है, जिनमें जेन को महारत हासिल थी। लेकिन 2003 के दौरान वह हायू में आयोजित एक शो में जेन विकर्स के पायलट ने प्लेन से नियंत्रण खो दिया, जिससे प्लेन धरती की तरफ आने लगा। देखते ही देखते वह प्लेन जमीन से टकराकर आग की लपटों में समा गया। इस हादसे में जेन विकर्स और पायलट दोनों की मौत हो गई। पावेल कसीन। पावेल कसीन एक युवा रशियन फ्री रनर था, जिसने हर तरह के स्टंट को आजमाने की कोशिश की, और उसका हौसला देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पावेल एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप लगा देता, लेकिन एक जंप उसे बेहद महंगा पड़ा, जिसमें वह एक इमारत की दीवार पर बेकफ्लिप लगाने वाला था, जहाँ उसके दोस्त और कई फैंस भी मौजूद थे। पावेल कसीन के दोस्त फोटोज ले रहे
रहे थे, उन्होंने देखा कि पे क्लिक करने के तुरंत बाद उसके पैर डगमगाए और वह सीधी 16 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया। फिलहाल दोस्तों इस हादसे की कोई वीडियो तो नहीं, लेकिन उसके दोस्तों द्वारा ली गई तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली है। काइली स्टॉकिंग, यह है कोरोना आर्ट जो कि मोया बुढ़ा में स्थित प्राकृतिक बलुआ पत्थर है। प्राकृतिक रूप से गोलाकार बनावट वाले कोरोना आर्ट्स की ऊंचाई करीबन 140 फीट है। 2013 के दौरान कई सारे स्टंटमैन ने एक रस्सी की मदद से झूलते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए और यूट्यूब पर यह सभी वीडियो बेहद वायरल भी रहे, जिनको देखकर एक नए नवेले स्टंटमैन काइली स्टॉकिंग ने इसे आजमाने की सोची। उसे लगा था कि कोरोना आर्ट्स पर रस्सी से झूलना मजेदार होगा और इससे वह मशहूर हो जाएगा, लेकिन इस नए नवेले स्टंटमैन ने बेहद बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने जिस रस्सी को बांध कर जंप लगाई वह कोरोना आर्ट की कुल लंबाई से भी ज़्यादा थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि काइली स्टॉकिंग 140 फीट नीचे गिर कर मारा गया, यानी कि यह स्टंट कम और सुसाइड ज़्यादा था। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।